नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि कभी भी हो सेविंग जरूर करनी चाहिए, कैसे भी हो। बचपन से घरों में हम लोगों की आदत डाली जाती है कि अगर बच्चों को कुछ भी पैसे भी देते हैं तो उसके लिए गोलक ला के देते हैं और उससे उसको सेव करने के लिए बोलते हैं कि ठीक है, अगर 5 रुपये 10 रुपये कुछ भी है, थोड़े पैसे अपने सेव करते चलो। और ये आदत बहुत अच्छी होती है और ये बहुत ही फायदा देती है एक समय आने के बाद। ऐसा ही कुछ देश के लेवल पे भी होता है। अब आपको बता दें दोस्तों कि ये देश के लेवल पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अब आपको बताएं, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है जो कि इस वक्त अपने टॉप लेवल पे, हाई लेवल पे, आपको बता दें कि $645 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन ये जो फॉरेन रिजर्व होता है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, मतलब कि 4 चीज़ें बेसिकली होती हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है इसमें फॉरेन करेंसी का होता है, जैसे कि डॉलर हो गया, युआन हो गया, येन हो गया, ये जो पाउंड हो गया। तो ये जो करेंसीज हैं, एक इसको स्टोर करके रखा जाता है, और दूसरी चीज़ होती है गोल्ड, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरी चीज़ होती है कुछ SDR वगैरह हो गई ऐसी। तो फॉरेन रिजर्व इन सभी को इकट्ठा करके जो एक अमाउंट बनता है वो होता है फॉरेन रिजर्व बोला जाता है। लेकिन आपको बताएं, जो फॉरेन रिजर्व होता है इसमें हमेशा एक परेशानी बनी रहती है, वो भी खास करके एक करेंसी के साथ। जैसे कि मान लीजिए कि हमने US की डॉलर खरीद के रख लिया, UK का पाउंड खरीद के रख लिया, इनकी क्या है कि वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, और इनकी वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा फर्क डालती है अगर कभी युद्ध वगैरह चल रहा हो। जैसे कि अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, और ये पिछले 2 सालों से चल रहा है, और उसके बाद दूसरा युद्ध चल रहा है इसराइल और हमास के बीच में, तीसरा युद्ध स्टार्ट होने की पूरी संभावना है इसराइल और ईरान के बीच में। तो जब ये युद्ध होते हैं तो इनकी करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, बहुत ही हो सकता है नीचे चली जाए या बहुत ऊपर चली जाए। और जैसा कि अभी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं ये डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब डॉलर का कम से कम यूज़ करने की तरफ। तो ऐसे केस में क्या होगा कि डॉलर के रेट हमेशा नीचे आते चले जाएंगे, तो ये भी एक मुसीबत होती है। तो दोस्तों, भारत सरकार ने क्या किया कि करेंसी में जो इन्वेस्ट करते थे इसको इन्होंने थोड़ा सा रोक दिया, उसकी जगह इन्होंने गोल्ड परचेज करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको बता दें कि गोल्ड जो होता है बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। गोल्ड आप देखोगे नहीं कि लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू कम हुई हो, यहाँ तक कि अभी आपको बता दें कि पिछले 1 महीने का भी अगर रेट देखें इंडिया में, इंडियन मार्केट में, तो 1 महीने में गोल्ड का रेट करीब 10% बढ़ा हुआ है। अभी का रेट अगर देखेंगे तो लगभग 73,000 के आसपास का रेट है, और यही अभी 1 महीने पहले 66,000-67,000 के आसपास का रेट था। 10% का जंप देखने को मिल गया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अच्छी खासी ग्रोथ मिल गई। तो भारत सरकार ने भी देखा कि ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उस पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया, और उसने फरवरी मंथ में 6 टन गोल्ड परचेज किया है, 6 टन। ऐसे ही अगर उसकी बात करें जनवरी की, तो वहाँ भी करीब 8 टन के आसपास भारतीय रिजर्व बैंक ने परचेस कर लिया है। आज की अगर पोजीशन की बात करें तो 817 टन भारत के पास गोल्ड है। 817 टन बहुत होता है, यहाँ तक कि अगर गोल्ड रिजर्व की बात करें कि सबसे ज़्यादा किस कंट्री के पास गोल्ड है, तो सबसे ज़्यादा US के पास, यानी कि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है, उसका 8,000 टन से ज़्यादा है, 8,250 टन से भी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे जर्मनी है, ऐसे जो भारत का नंबर आता है ये 9वें नंबर पे आता है। हमसे ऊपर जापान है, जापान का 8वां नंबर है, उसके पास 845 टन सोना है, हमारे पास 817 टन है सोना, यानी कि भारत का 9वां नंबर है 817 टन के साथ। दोस्तों, अब ये समझ लीजिए कि हमने गोल्ड में तो रिजर्व इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि किसी भी तरह से करेंसी में फ्लक्चुएशन आएगी
तो हमें नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी क्या है कि डॉलर के रेट ऊपर बढ़े हुए हैं, लेकिन अब ये जो डॉलर के रेट बढ़े हुए हैं ये बहुत ज़्यादा दिन तक ऊपर नहीं रहने वाले, ये डॉलर के रेट नीचे आने वाले हैं, और जैसे ही डॉलर के रेट नीचे आएंगे लोग अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे वैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे, और ये जो हमारा फॉरेन रिजर्व इकट्ठा होता चला जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा, इसके रेट बहुत अच्छा रिटर्न होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत ही परचेज कर रहा है गोल्ड को, भारत के अलावा भी देश हैं जो गोल्ड की परचेजिंग में लगे हुए हैं और बहुत तेज़ी में लगे हुए हैं। जैसे कि अभी बात करें चाइना की, जो हमारा पड़ोसी देश है और एक तरह से हमारा कॉम्पिटिटर भी है, चाइना ने फरवरी मंथ में 10 टन गोल्ड परचेज किया जबकि भारत ने 6 टन परचेज किया। ऐसे ही अगर तुर्की की बात करें तो तुर्की ने भी जबरदस्त तरीके से परचेजिंग में लग गया है, वो भी गोल्ड परचेज कर रहा है। इसके बाद कजाकिस्तान ने भी खूब अच्छे से परचेज किया है, तो ये सब देश गोल्ड में ही लगे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि अमेरिकन करेंसी जो डॉलर है ये जैसे ही इसके रेट डाउन होने स्टार्ट हुए लोगों का पैसा इन्वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा गोल्ड की तरफ, और लोगों को बहुत अच्छे से रिटर्न मिलेगा गोल्ड में, और कहीं ना कहीं करेंसी से भी डिपेंडेंसी लोगों की ख़त्म हो रही है, मतलब इन देशों की। और भारत तो चाहता ही है कि भारत डी डॉलराइजेशन की तरफ जाए, मतलब डॉलर का कम से कम यूज़ हो भारत के द्वारा। इसके लिए भारत ने कई प्रयास भी करे हैं, जैसे कि भारत ने रूस के साथ अपना बिजनेस भी रुपए और रूबल में किया है, रूबल रूस की करेंसी का नाम है, और भारत ने यहाँ तक कि पेमेंट भी रूस को रुपए में करी है। जैसे कि हमने अभी कच्चा तेल परचेज किया है रसिया से, तो उसको हमने रुपए में पेमेंट करी है, और रुपए उसके पास इतने ज़्यादा इकट्ठा हो गए, रूस ने सोचा भी इस रुपए का करें क्या, तो उससे सोचिए भारत का ही फायदा हुआ, रूस ने उस रुपए को इंडिया में ही इन्वेस्ट किया, और साथ ही साथ रूस ने इंजीनियरिंग आइटम हमसे परचेज किया इंडिया से। सोचिए, हमने पहले उनसे कच्चा तेल लिया, हमने अपने रुपए पकड़ा दिए, अब उनसे वापस रुपए जो आने थे वो हमने उनको इंजीनियरिंग गुड्स भेज दिए, और कुछ पैसे हमने अपने यहाँ इन्वेस्ट करा लिए। मतलब सोचिए कि हमारा पैसा गया जो वापस से हमारी ही इकोनॉमी में आ गया, और उसकी ग्रोथ हमें मिल रही है, हमारे यहाँ उससे रोज़गार बढ़ा, तो सोचिए हमारे लिए कितनी अच्छी चीज़ है। तो इसी तरह हमने डॉलर को अवॉइड किया, डॉलर को अवॉइड करा तो हमें ये बेनिफिट मिला। ऐसे ही एक समय आने वाला जब और भी देश डॉलर को अवॉइड करेंगे, और जब डॉलर को कई देश अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे तो उसके रेट ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे, क्योंकि उसकी डिमांड कम होगी और सप्लाई वैसी ही होगी। जब किसी चीज़ की डिमांड कम होगी और उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसके रेट कम होंगे, तो यही है। तो डॉलर के जब रेट कम होंगे तब एक बेनिफिट मिलेगा गोल्ड वालों को, क्योंकि लोग तब करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर देंगे, और गोल्ड एक स्टेबल चीज़ है, गोल्ड कहीं ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, जितना टाइम रखा रहेगा नुकसान नहीं देने वाला, उसमें तो रिटर्न मिलना ही मिलना है, अच्छे से फ़ायदा होगा। और भारत में तो गोल्ड खरीदने की एक परंपरा है, हम तो त्योहारों में भी परचेस करते हैं, अभी दिवाली आ जाएगी जबरदस्त तरीके से लोग गोल्ड परचेस करेंगे, शादियाँ होती हैं लोग गोल्ड ही परचेस करते हैं, कोई भी ओकेज़न होता है लोग गोल्ड परचेस करते हैं। तो ये तो भारत में रग रग में लोगों के बसा हुआ है कि हमको गोल्ड लेना ही लेना है। तो जब भारत के लोग इतना पसंद करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक भी उसी के अकॉर्डिंग उसने अपनी प्लानिंग कर ली, उसने भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, और ये देश के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, देश का इससे भला होगा, हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा, हमको इससे ग्रोथ मिलेगी, हमारी डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म होगी, दूसरी और जो करेंसीज़ हैं उनसे हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म होगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा मूव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और सभी देशवासियों को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि और इससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम ही तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, और भी कंट्री हैं जो इन्वेस्ट कर रही हैं, वो भी इसी अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए बैठी हुई कि कहीं ना कहीं हमको इससे फ़ायदा मिले। दोस्तों, ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है जो अपडेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपके पास अपडेटेड नॉलेज नहीं थी, मतलब अपडेटेड नॉलेज तो कहना गलत होगा, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी।
क्योंकि ये रिपोर्ट्स अभी आई है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए क्यों ना एक अच्छे से वीडियो बना दें और आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। दोस्तों अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और दोस्तों आपको इससे अगर कुछ और डेवलपमेंट इसमें अगर देखने को मिलती है, मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।